स्टूडेंट्स, आर यू लुकिंग एट द स्क्रीन? नजर आ रही है आपको? गुड। यस सर। देखिए, हम स्टार्टिंग अंदर चैप्टर। ये है आपको बायनोमियल थ्योरम। आई हैव टू कंसल्ट डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। मैं देख रहा हूँ जहां से जो आसान लेक्चर मुझे मिल जाता है, आपकी इजी अप्रोच वाला कोई, तो दैट आई सिलेक्ट फॉर यू। बहरहाल ऑनलाइन सॉरी, हाँ, आपके पास LMS के ऊपर जो बुक है, दैट इज द इंटरमीडिएट बुक फॉर पंजाब बोर्ड, वो आप उठा के वहाँ से भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ मटेरियल मैं वहाँ से भी लूँ, तो डिफरेंट स्टाइल होंगे। देखिए, बायनॉमियल थ्योरम क्या है? एन एक्सप्रेशन, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में मैंने फर्क आप लोगों को बताया था। इफ देयर इज सम इक्वेलिटी साइन, तो वो हो जाएगी इक्वेशन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो जब इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन है। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो मैंने नहीं डाला तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में हमेशा फर्क याद रखिएगा। तो मैंने वार्निंग भी दी थी आप सबको कि लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो राइट साइड पे जीरो लगाना भूल जाते हैं और फैक्टर बनाए जा रहे हैं। जब फैक्टर बन जाता है तो फिर दोबारा अचानक से वो जीरो इक्वल टू डाल देते हैं। तो पिछले स्टेप्स जहाँ पे आप इक्वल टू नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब आप इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। वंस यू आर हैंडलिंग एन इक्वेशन, इन एवरी स्टेप देयर शुड बी एन इक्वलिटी साइन। तो ये आपके पास अब एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स सच एज x plus y, a minus x, x minus 1, this is binomial. By का मतलब ही दो होता है, याद रखिएगा। Mono का मतलब 1, by means 2, tri means 3. अब जैसे ब्लॉक खरीदने जाते हैं तो ट्राई सर्कल लॉक्स को तीन सर्कल बने होते हैं उसके ऊपर। तो ये एक्चुअली अल्फाबेट्स हैं, मोनो बाई ट्राई, मतलब अल्फाज हैं जो शो करते हैं 1 2 3 को। इसी तरह चार को कहेंगे पॉली, फिर पांच को पेंटा, फिर हेक्सा या कुछ सेक्सा या कुछ ऐसे। ये सारे ये फिगर्स होते हैं विद दीज मेनी साइड्स। यहाँ पे है टर्म्स। बाइनोमियल का मतलब है एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो वैल्यूज आ रही है। तो कंसिडर एन एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल रेज टू द पावर एन सच एज एक्स प्लस वाई पावर एन। तो नॉर्मली हम ऐसी एक्सपेंशन को जर्नली कहते हैं कि दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। एक ऐसी सीक्वेंस सीरीज है, गलती हमारे सामने, कि जो एक्सपेंड करते हैं अंडर सर्टेन रूल्स। उस रूल को भी मैं आपको समझाता हूँ। तो इफ एन इज टू, देखिए चले यहाँ से शुरू करते हैं। अगर एन को मैं जीरो रखूँ तो एनीथिंग पावर जीरो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ऑल ऑफ यू प्लीज, एनीथिंग पावर जीरो इज व्हाट आंसर? बेटा सर वन जी, वन आंसर विल बी वन। श्योर, बिल्कुल ठीक है। एंड एनीथिंग पावर वन फिर क्या आंसर आएगा? जैसे मिसाल ले लें x की पावर वन, सर सेम सेम टर्म आएगी। इफ एनीथिंग इज हैविंग पावर वन, देन व्हाटएवर इज देयर इन द बेस दैट विल बी द सेम। तो अगर x प्लस वाई है ये, तो इस पावर इज वन, x प्लस वाई बार वन, आंसर विल बी x प्लस वाई सिंपली। ठीक है, जो कुछ भी बेस में। इफ n इज टू, तो यू रिकॉल योर स्क्वेयर फॉर्मूला जहाँ एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर आप पढ़ते थे ना, तो क्या होता है? ये उसने यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई पावर टू द स्क्वेयर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म यानी टू एक्स वाई एंड देन प्लस स्क्वेयर ऑफ द लास्ट टर्म सेकेंड टर्म ये वाई स्क्वेयर। ये फॉर्मूला इज वेल नोन टू एवरीबडी।
अब आगे चले, इफ एन इज थ्री, अगर यहाँ पे हम पावर थ्री ले लेते हैं एक्स प्लस वाई के, तो ये क्या कह रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला आता है डायरेक्ट, छोड़ नहीं हो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप डायरेक्ट, ये देखिए इस चीज को आपने पढ़ा हुआ है एक्स प्लस वाई पावर थ्री क्या होता है। नाउ लिसन, यहाँ पे आप तस्वर में रखिए पावर थ्री, ओके, तो हम कहते हैं क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एज इट इज, थ्री एक्स स्क्वायर वाई ये आ जाएगा, फिर अगेन प्लस थ्री फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म थ्री एक्स वाई एंड इन द एंड द क्यूब ऑफ द लास्ट टर्म, रिमेंबर दिस पावर इज थ्री, तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। Hence, by success multiplication by us, the higher powers of x can be obtained. उसने शुरू की दो तोड़ने टर्म्स नहीं लिखी हैं, जैसे हमने पढ़ा था this power 0 will be 1, this power 1 will remain x plus y and for power 2 will be getting these this much and for 3 and onwards he is writing the terms here. अब जो इम्पोर्टेंट चीज आपको नोट करनी है एंड दैट यू वांट टू कीप इन माइंड बिकॉज आने वाले कैलकुलेशन में या प्रॉब्लम्स के अंदर ये आपको ये कंसेप्ट आपको रिकॉल करना होगा। लिसन, जब पावर हमने यहाँ पे जीरो रखी थी आपका आंसर वन आया था, वन एक आंसर होता है, एक टर्म होती है, तो वंस पावर वाज जीरो आंसर वाज वन, फिर जब पावर हमने वन रखी तो यू टोल्ड द आंसर विल बी एक्स प्लस वाई, राइट, and if it is power 2 you are getting how many terms, 3 terms, similarly power is 3 how many terms you are getting, 4 terms, if power is 4 how many terms you are getting, 5 terms, it means we always get one more term than the power after the expansion. So whenever you are going to expand any of the binomial theorem, whatever is the power, you'll be getting one more term than that power. अब बताइए अगर किसी expansion first कर ले x plus y की power है 10, तो how many terms you are going to get? शाबाश बताइए कितनी terms आप हासिल करेंगे अगर power 10 है तो? जी बोलो 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 बोलो, हिम्मत करो, देखो जब तक आप सोचेंगे नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी ना चीजें। सर 9 नहीं बेटा, गलत, इलेवन मैं बोल रहा हूँ, वन मोर, मोर का क्या मतलब होता है, नहीं एक और बढ़ा दे, इफ द होल पावर ऑफ ब्रैकेट यानी बाइनोमियल की ब्रैकेट के बाहर पावर है आपकी 10, देन यू आर गेटिंग गोइंग टू गेट 11 टर्म्स आफ्टर द एक्सपेंशन। चलिए बताइए अगर पावर 15 है तो फिर कितनी टर्म्स आएंगी, बोलो, हाँ हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट आफ्टर द एक्सपेंशन इफ द होल पावर इज 15, 15 क्लास के छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए कि एक बढ़ा के बताओ, पावर 15 है तो बढ़ा के बताओ क्या आएगी नेक्स्ट वीक भी सीखिए, तो इसमें इतना सोचना, इतना परेशान हो, इतना घबराना, ये जो क्लास 2 का बच्चा भी फटाक से बता देगा हाँ जी ये इतना होगा, 15 पावर है 16 आएगी, 20 पावर है 21 नंबर आएगी, 7 है पावर तो 8 नंबर आएगी, इसमें है क्या मसला बताओ, इतना बड़ा मसला पूछा और उसने पूछा जा रहा आपसे, छोटे सवाल का छोटा सा आसानी से जवाब दे, बट डेवलप ए कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि हाँ भाई हमें जवाब देना है, सीखना है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं इतनी दूर से बैठ के आपको कुछ सजा तो नहीं दे रहा हूँ ना,
डरा ना करें। देखिए इल्म हासिल करने के लिए बच्चे जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप पूछेंगे, जितना जवाब देंगे, इट विल बी बेटर। आदमी का दिमाग तो चलता रहता है ना, बिल्कुल सुन हो गया बैठा, सुन रहा है तो बिल्कुल ही सुन हो जाता है, दिमाग भी सुन हो जाता है। चलिए ये पेज मैंने आपको क्लियर कर दी, ये पावर एक्सपीट खोल दी, खोल के आपके नीचे 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक सवाल और कर रहा हूँ, शायद मैंने पता नहीं पहले आपसे किया या नहीं, सो आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन। मुझे बताइए x into y into z कितनी टर्म्स है ये? जी इतनी बड़ी क्लास है माशाल्लाह, सब सुन रहे हैं बैठे हुए, बोलिए हाउ मेनी टर्म्स आई हैव एक्स आस्क यू, x y z सही एक टर्म है जी, एक टर्म है सर, एक टर्म है, बिल्कुल ठीक आंसर। जिनको नहीं पता ना वो मुंह बंद करके बैठे हुए, क्योंकि वो पता ही नहीं है, डर रहे हैं। डरो नहीं, बताओ, गलत बताओगे तो मैं ठीक करूंगा आपको, लेकिन आप समझो कि हम अकलमंद रहे और मुंह बंद करके बैठे रहे, तो ऐसा नहीं होता, अकलमंद ऐसे नहीं रहता आदमी जब तक सीखेगा नहीं, तो क्या पता चलेगा। यस देखिए टिल द वेरिएबल्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, तो ये एक टर्म है, ठीक है, ये आपस में डिवाइड हो रही है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड, ये भी वन टर्म है। अब बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितनी टर्म है? सर आई थिंक 3 है, 3 टर्म होंगे प्लस और ये, यू शुड बी श्योर, बिल्कुल ठीक है, x plus y plus z, these are 3 terms, that's right. अच्छा ये बताओ x minus y plus z ये कितनी टर्म है? 3 सर, ये भी 3 है। अच्छा आप बताएं x plus y divided by z, 3 गलत, 2 है सर, ये 2 x plus y divided by z 2 है, 2 सर। देखो देखो अब सुनो, x प्लस वाई है ना ऊपर, नीचे z है, z डिवाइड कर रहा है, मैंने कहा था चीजें मल्टीप्लाई हो रही हूँ या डिवाइड हो रही हूँ वो एक ही टर्म कहलाएगी, अलग करती है कौन सी चीज, प्लस या माइनस, इन दो साइन से टर्म्स अलग होती हैं, याद रखो। देखो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z को आप ऐसे लिखेंगे x ओवर z प्लस y ओवर z, लिखोगे ना ऐसे, जेड को अलग अलग दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, तो एक्स डिवाइडेड बाय जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड, दो टर्म तो बनी कि नहीं बनी, बोले बनी या नहीं बनी, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछिए। नो सर। सो ये चीजें हमें बहुत पता होनी चाहिए कि टर्म्स हैं कितनी, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता हमने कितनी टर्म्स लिखी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये एक्स प्लस वाई पावर 6 के अंदर ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, 6x/5y, टिल दीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड, दिस इज वन टर्म, दिस इज द नेक्स्ट टर्म, दिस इज द नेक्स्ट टर्म, ये तीन टर्म्स नहीं है, 20 को आप अलग करें, एक्स क्यूब को अलग करें, वाई क्यूब को अलग करें, नो, बिकॉज दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, सो दिस इज वन टर्म। तो हम सब कुछ पढ़ने के बाद अगर गौर ना करें ना चीजों पर तो पता नहीं होता, कोई पूछे तो जवाब नहीं दे पाते कभी, बाकी ठीक है, इसकी इसने फर्दर उसने एक्सपेंशन की है। तो किसी को याद है, कोई मुझे बता सकता है ये जो हम जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं एक्स प्लस वाई की पावर एन, कैन एनीबॉडी टेल मी इफ आई एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम What will be my first term? एक एक करके बताओ पहली टर्म क्या होगी, कौन बता सकता है, किसी ने ठीक से पढ़ा है बायनोमियल थ्योरम? Yes, xn होगी, हाँ x की पावर n होगी, बिल्कुल ठीक। ये बाकी सारी क्लास सो रही है क्या, ये अटेंडेंस लगा के चले गए, x और इसके ऊपर ये पावर n,
आप देख रहे हैं x plus y की पावर क्यूब था, तो पहली टर्म x की क्यूब है, ये वाली पावर 4 है तो x की पावर 4 है, पावर 5 है तो x की पावर 5 है, सिमिलरली x पावर n, दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट कैसे होगी, नेक्स्ट टर्म बताइए।